विधायकगिरी उन्हें विरासत में नहीं मिली है, जनता के वोट से विधायक बने हैं वो। मैं तो ऐसे लोगों को उठाई गिरा मानती हूँ, बाबा नहीं मानती। वो पागल है पागल। हमारे इमामबाड़ों में तुम्हारा क्या काम है, मस्जिद मदरसों में तुम्हारा? हु आर यू टू चेक दिस? दोज हु हैव अथॉरिटी, जिन जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी है वो चेक करें क्या लीगल है क्या नहीं है। पवित्र स्थान है इस जगह में, वो जूते के साथ और चप्पलों के साथ पहन के आए। अगर मंदिर में भी क्या वो इसी तरीके से जाते हैं? आपको ये पूरा फीडबैक संबंधी अधिकारी को दो, ये हालात बिगड़ जाएंगे जयपुर के, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसको 4 साल निकाल लें और हमें पूरी उम्र बितानी है। मुसलमान करने नहीं आया हूँ जमीन का। जी सर, पिछले की बात है, ऑर्डर में एक मिनट लगती है महाराज, दिल्ली जयपुर हाईवे के नज़दीक बासबदनपुरा में हम यहाँ पर खड़े हैं। आपको बता दें कि इमामबाड़ा इस ज़मीन को कहते हैं। आपको शिया वक्फ बोर्ड में 1965-67 में गजट इसका हुआ था, उसके बाद में ये शिया वक्फ बोर्ड के अंदर में आ गई थी। आपको बता दें कि आज यहाँ आने की जो वजह है वो ये है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य आए थे और वो ये दावा कर रहे थे कि ये ज़मीन इनकी नहीं है, कब्जाई हुई है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था उस दिन। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या कुछ वाक़यात हुए थे। भाई साहब, अभी 2-1 दिन पहले हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी यहाँ पर आए थे, क्या घटनाक्रम उस दिन घटित हुआ था? घटना ये था कि 6 बजे का टाइम था और बाल मुकुंदाचार्य 4-5 लोगों के साथ गाड़ी में से उतरे और उतर के सीधे इधर आए और ऊपर आकर के सीधे अंदर चले गए। मैंने महाराज कैसे, तो बोला हमें ना मंदिर देखना है। तो मैंने कहा ये मंदिर नहीं है, इमामबाड़ा का है। और सीधे अंदर जाने लगे तो जूते समेत अंदर चले गए। बच्चे थे यहाँ और हमारे इमाम साहब थे और बच्चियाँ नमाज की तैयारी कर रही थी और मदरसा चलता है यहाँ बच्चों का, तो वो बच्चे थे। तो बाबा को देख करके बच्चे भागे, तो ये बाबा ने क्या करा, एकदम अंदर जा करके और इमाम बारगाह का पर्दा हटाया। पर्दा हटा करके बोला यहाँ मूर्ति रखी थी ना, मूर्ति कहाँ है? तो मैंने कहा बाबा होश में हैं आप, क्या बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा आपको आए हुए अभी टाइम नहीं हुआ और आप आकर के ये माहौल बना रहे हो बिला वजह का, और ये देखिए आपके क्या नाम से ये यहाँ मूर्ति दिख रही है। बोला ये रंग रोगन कैसे कर दिया? मैंने कहा महाराज ये 250-300 साल पुराना इमाम बारगाह है और कहीं से कहीं तक कोई ऐसी बात नहीं है, और आप ये फालतू की बातें। तो मुझसे उन्होंने फिर बदसलूकी बदतमीज़ी वाली बातें करी, फिर बच्चियों की तरफ हड़कने लगे भागने लगे। तो उस दरमियान में मेरी कहा सुनी, मतलब बहसम बहस भी हुई, बच्ची है ना हमारी बच्ची के पीछे भागे और कुंडी बजाई, कहाँ जा रही है निकल रुक। अब हमने कहा महाराज ये क्या तरीका लगा रहा है? फिर वो बस ये करते हुए सीधे निकल करके वहाँ सामने चले गए, ये बोर्ड किससे पूछ के लगाया, और बोला ये ज़मीन तो हमारी है और ऐसा दुनिया भर की बातें। फिर बोला गलता गेट फोन लगाओ, इसको बंद कराओ। फिर ये बातें हुई और बस ये बात होने के बाद अंदर बहुत मतलब बदतमीजी करी। फिर हमारे इमाम साहब जो थे उन्होंने कहा, बोला ये महाराज आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं। तू कौन, क्या तू कौन है तू? तो फिर हमने कहा महाराज तमीज़ से बात करो, ये हमारे धर्म गुरु हैं। और मैंने कहा ये लैंग्वेज सुधारो। फिर उसके बाद तो फिर हमारे समाज के लोग सब धीरे धीरे पता लगा तो आ ही गए। फिर आने के बाद जब भीड़ इकट्ठी हुई, उनको कागज़ दिखाया वक्फ बोर्ड का, बोला ये देखो इस लेटर से प्रशासन को भी इसको अवगत करवाया था कि भाई देखो हमारे ये ऐसे वक्फ बोर्ड के जरिए से ये है। तो फिर वो प्रशासन भी वो तो महाराज वहाँ से भागे। क्या कुछ वाकया उस समय हुआ था, और एक पुराना एक बोर्ड यहाँ पर लगा है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। भाई साहब क्या लिखा है उस बोर्ड पर एक बार आप? इमामबाड़ा है ये जी, ये वक्फ़ किया हुआ इमामबाड़ा है, ये गवर्नमेंट का नाम है, अप्रूव किया हुआ इमामबाड़ा है, ये वक्फ बोर्ड के अंदर है। अच्छा जी। तो उस पर कोई तारीख वगैरह कुछ लिखी हुई है कि जिससे ये पता पड़ सके कि ये कितना पुराना है? ये 300 साल पुराना इमामबाड़ा है। इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमाम साहब क्या कुछ घटनाक्रम उस समय घटित हुआ था आपसे जान? देखिए बाकी तो आपके सामने तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। बात यह है ये धर्म स्थल है, पवित्र स्थान है, इस जगह पे वो जूते के साथ और चप्पलों के साथ पहन के आए। ये इमाम बारगाह है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर मंदिर में भी क्या वो इसी तरीके से जाते हैं? एक महंत हैं, एक महाराज हैं और एक विधायक हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। दूसरी बात, जब मैंने उनसे कहा कि आप इस जगह चप्पलें पहन के कैसे चले गए, पवित्र स्थान है और आप औरतों से बदतमीज़ी नहीं कर सकते, तो मुझसे कहने लगे तू कौन है, तू क्या है, इस तरीके से
तू तू करके बात करने लगे। एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि को इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। देखिए, हम मुसलमान हैं, शिया समाज के मैं धर्मगुरु हूँ, वो भी एक महंत, एक महाराज हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये अगर भाजपा का और हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, तो मैं समझता हूँ एक विधायक हैं तो बाबा जी को ऐसे करके इस नारे की धज्जियाँ नहीं उड़ाना चाहिए। और जो बीजेपी की नीति है सबको साथ लेके चलना, उसी के साथ उन्हें काम करना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने जो यहाँ पे बेहरमती की है और यहाँ आके धर्म स्थल पर जो काम किया है, उन्होंने हमारे शिया समाज और मुसलमानों के दिलों को आहत पहुँचाया है और काफ़ी दुखद घटना है ये। मैं चाहूँगा कि मोदी जी और हमारे जो यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और प्रशासन से भी मेरा यही कहना है कि कानूनी तरीके से इस पे काम किया जाए, और हम यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो। मतलब एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बाबा जी जो उस दिन आए थे, तो वो किसी विवादित बात कर रहे थे कि ये विवादित ज़मीन है या इसमें ज़बरदस्ती कब्जा करा हुआ है, तो उसकी हकीकत हम आपके द्वारा जनता को बताना चाहेंगे कि क्या ये वाकई में विवादित है? अगर विवादित नहीं है तो क्या इतिहास है इस इमामबाड़े का, थोड़ा जानकारी जनता के लिए। देखिए, मैंने जो उन्होंने ये बात की कि ये जो है ऐसा है, इसका कोई कागजात कहाँ है, तो मैंने कहा ये वक्फ प्रॉपर्टी है और इसके कागजात वक्फ मेम्बरान और जो उनके अध्यक्ष वगैरह हैं उनके पास है। और जो इसका इतिहास है, ये नवाब हमदान साहब की ये प्रॉपर्टी है, उन्होंने ये वफ कर दी थी। अगर ये मंदिर होता या हिंदू समाज का कोई स्थल होता, तो उसके साथ जितना पुराना ये ढाई 300 साल पुराना ये इमामबाड़ा है, उतनी पुरानी सामने मस्जिद है और इसी से लगी हुई ईदगाह है। अगर ये हिंदू समाज का धर्म स्थल होता, तो कोई भी हिंदू समाज जो है वो मस्जिद या ईदगाह नहीं बनाता है। इन दोनों चीज़ों से ये ज़ाहिर होता है कि ये नवाब साहब का इमामबाड़ा है और ये उन्होंने वफ किया था। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो भी कानूनी कार्रवाई है, वो कानून के तरीके से जो प्रशासन या हमारे जो आला अधिकारी हैं या प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी, जो भी आला अफसरान हैं, वो इसे स्पष्ट तरीके से और निष्पक्ष काम किया जाए और कार्रवाई की जाए। अभी जो आपके समुदाय के बीच में आपके बैठकर बात हुई है, जहाँ तक कि मेरे को ऐसा लगा हो, जहाँ यहाँ के लोग जो मौजूद थे, मौके पर मौजूद थे, उन्होंने जो सच्चाई आपके सामने पेश की होगी, वो आपके सामने मद्देनजर हो गई। हालांकि मुझे उस डिटेल में बात नहीं करना चाहिए कि बाल मुकुंद आचार्य ने जो अभद्रता यहाँ पर करी है, जो धार्मिक टिप्पणियाँ करी, सांप्रदायिक सुहाग को बिगाड़ने की कोशिश जो यहाँ करी है, वो आपके सामने पेश हो ही चुकी है। लेकिन अब ये अगर प्रशासन के खिलाफ थोड़ा सा ये है कि अगर प्रशासन इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेता है कि धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाने वाला काम बाल मुकुंद आचार्य ने और उनके साथ वालों ने किया है, अगर हम धर्म के ठेकेदार होने के नाते इस तरीके से अभद्रता करते हैं, तो हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए। प्रशासन पर कहीं ना कहीं तक मैं ये समझता हूँ कि दबाव है। अगर प्रशासन के दबाव को देखते हो, अगर वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, हम उच्चतम तरीके की एक हम समझ सकते हैं कि अपने एक न्याय की लड़ाई को लेकर के हम संवैधानिक रूप में अपनी लड़ाई लड़ेंगे, कानून की व्यवस्था को देखते हुए लड़ेंगे। अगर ये हमारी प्रशासन मांग पूरी नहीं करता है, अगर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो हमने आज मैडम राशि डोगरा जी को आज हमने ज्ञापन दिया है, समुदाय के लोग भी उस वक्त में मौजूद थे और अभी हमारे को ACP साहब ने बुलाया है, हम उस पर कार्रवाई हो उम्मीद करते हैं। तो अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो शनिचर को शाम को 5 बजे हम गलता थाने के ऊपर पूरा घेराव करेंगे, दल बल के साथ घेराव करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर प्रशासन कार्रवाई कर ले तो हमें ज़रूरत ना पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो हम सर्व समाज सर्व धर्म बगैर जाति और बगैर समाज की लड़ाई लड़े, हम इस धर्म की, इस न्याय व्यवस्था की लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिले। अगर वो विधायक हैं तो उन्हें विधायक की जिम्मेदारी याद दिलाइए, क्योंकि विधायक उन्हें विधायकगिरी उन्हें विरासत में नहीं मिली है, जनता के वोट से विधायक बने हैं वो, और जनता के लिए के बीच में हिंदू मुस्लिम करने के लिए विधायक नहीं बने हैं। उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो मस्जिद मदरसों में जाएं, ई मित्र की दुकान पे जाएं या मीट की दुकानें खंगालें, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। उनकी जिम्मेदारी जो है वो काम करें वो जो जनता के लिए सेलेक्ट हुए हैं, जनता ने चुना है उन्हें विरासत में नहीं मिली है। विरासत में उनका घर होगा, जहाँ चाहे नाचें, ऐसे शहर में कहीं भी मुंह उठा के नहीं घूम सकते। हिम्मत कैसे हुई उनकी, महिलाओं के इस खास उसमें जाके अंदर घुसने की? इसलिए उनसे कहें अपनी जिम्मेदारी याद करें, और जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं, आके उन्होंने अकेले में बच्चियों से बदतमीजी की है, हथियारों के साथ आए हों जैसे आए हों, और जो अधिकारी उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। इसलिए विधायक होना कोई ये नहीं कि आप देश के सर्वे सर्वा हो गए, कि आप जो जहां चाहो मुंह उठा के घुस जाओगे, कल को हमारे घरों में घुसेंगे। शर्म आनी चाहिए उन्हें और याद आनी चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी।
क्या है वो पूरी करें। इस तरह मस्जिद मदरसों में बेअदबी तो होती है, कौन सी इबादत का ऐसी है जिसमें जूते अलाउड है, कोई सी भी हो। आप हमारे मंदिर पवित्र स्थान है, गुरुद्वारा पवित्र स्थान है, क्रिश्चियनिटी में जाओ आप वो चर्चेज जो है पवित्र स्थान है, हमारे मस्जिद मदरसे भी ऐसे ही है। तो अगर आप बाबा हो और इस तरह का पहनावा पहन के जो जाहिर करते हो वो तो बिल्कुल नहीं हो, आप तो एक नफरत का पैमाना लेके घूम रहे हो झंडा, और जी कोशिश है हर हालत में किसी तरह जैसे जो बहराइच में हुआ है इस तरह की हिंसा भड़क जाए, तो वो नहीं हो, वो होगा भी नहीं। जनता बहुत समझदार है, मेरा पैगाम यही है कि ऐसे टुच्चे चालों में को कामयाब नहीं होने दें, सब्र रखें, एकता रखें, मोहब्बत रखें आपस में, और लीगल कार्यवाही करें इनके खिलाफ। हम लीगल कार्यवाही चाहते हैं, कोई ड्रामा, कोई नौटंकी, कोई भीड़ भड़का नहीं चाहते, हमारा यही मैसेज है। उसने जो किया है उसका क्या काम है इमामबाड़े में आने का, उसका काम है विधानसभा जाने का, उसका काम है जनता के काम कराने का, और ज्यादा से ज्यादा मंदिर चले जाओ। हमारे इमामबाड़ों में तुम्हारा क्या काम है, मस्जिद मदरसों में तुम्हारा, हु आर यू टू चेक दिस, दोज हु हैव अथॉरिटी, जिन जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी है वो चेक करें क्या लीगल है क्या नहीं है। क्या हुआ था उस दिन जब बाबा जी? मेरा नाम अनीस फातिमा है, मैं यही थी और मुकामात पर मैं नमाज अदा कर रही थी, उस वक्त वो आए, बच्ची गई अंदर घबरा के, ये क्यों गई, और चप्पल सहित आ गए। आप ही बताइए, किसी के धार्मिक स्थल पर ऐसे नहीं आते हैं, आपका हो या किसी का भी। लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसे करना नहीं चाहिए। हमारे घर के मर्द थे नहीं, उस वक्त मौजूद नहीं, ये 250 साल पहले से है, 4 इमामबाड़े हैं इसमें, एक बुखार वालों में जो है ना कोने पे वो इमामबाड़ा, एक वो बुर्जी में इमामबाड़ा है, एक वो नहर उसमें इमामबाड़ा है बड़े में, और 2 इमामबाड़े यहाँ पर हैं। लेकिन और ये बरसों का है सर, ये बता, वो आए एकदम अंदर से, हम लोग नमाज के लिए तैयारी कर रहे थे, यहाँ हमारा मदरसा चल रहा था, बच्चे बैठे थे, जैसे वो आए इतने लोगों को देख के घबरा गए बच्चे, और बच्चे जाने लगे, और एक ये मेरी भतीजी है वो वैसे ही डरती है बहुत, जिसके पीछे पीछे आए वो उधर गई, वहाँ पर जाके दरवाज़ा उसने बंद करा, हमारे इमाम बारगाह का सर पर्दा हटा दिया उन्होंने, आके यूँ कह रहे यहाँ मूर्ति थी यहाँ से कहाँ गई, ये कोई मूर्ति अगर होती मूर्ति तो दिखती ना, मूर्ति है ही नहीं यहाँ पे, ये 250-300 साल पुराना है, अभी का नहीं है, वो MLA बने अभी, और इससे पहले भी कई MLA आके जा चुके हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा, किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की, उन्हीं को क्यों आपत्ति हो रही है, क्योंकि उनको इतनी ज़मीन देख के उनकी नीयत खराब हो गई है। सरकार से, प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, देखिए ये मंडे की बात है, मंडे ट्यूसडे वेनर्सडे और थर्सडे, आज 4 दिन हो चुके हैं, इस पे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये क्या की गई, हम लोग तो कर रहे हैं जो कुछ करना है हमें, आप लोगों ने क्या करना चाहिए, प्रशासन ने क्या चाहिए, भजन लाल शर्मा जी से हमारा निवेदन है कि उन अपने इनको समझाएं और उनसे कहें कि वो आप अपनी जो ऑफिशियली जो होती है कार्रवाई वो करिए, ये धार्मिक स्थल पे किसी के नहीं जा सकते, अगर हम आपके धार्मिक स्थल पे जाएं वो भी चप्पल पहन के। अगर वो लड़की डर गई थी, वो गेट तो बंद करेगी, उसने सोचा पता नहीं बाहर क्या माहौल हुआ है, उसने जल्दी से जाके गेट बंद कर, कुंवारी लड़की, और वो लड़की इतनी सीधी है जिसकी कुछ नहीं, इमामबाड़े का ज्यादातर वही काम करती है ना, तो ये बताइए आप अगर वो वहाँ जाके छुप गई तो एक इंसान जो होता है ना वो देख लेता कि नहीं ये मेरे से घबरा गई, कहती बेटा घबराओ मत, मैं ज्यारत करने आया हूँ इमामबाड़े की, ज्यारत करने आया हूँ इमामबाड़े, उसको पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, तो धड़ दरवाजे कर रहा है, क्या करेगी वो लड़की, उसकी आज तक तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी भी हम लोग अभी हम मजलिस कर रहे थे, वो लड़की बेहोश हो गई, क्या चाह रहा है वो अगले इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में मुख्यमंत्री बनने का दावेदार, मुख्यमंत्री बस मुख्यमंत्री क्यों, वसुंधरा जी थी उन्होंने अपनी हद वहाँ रखी, कहाँ खोले गए हनुमान जी, उन्होंने उसे सजाया, सब कुछ करा, इतने देखने लायक करा, हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी वहाँ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं, इतना बढ़िया उन्होंने खोले गए हनुमान जी को, इतना अच्छा उन्होंने कराया, हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए कभी उन्होंने कुछ नहीं करा, हम लोग लेडीज तक जाते सुबह में 6 बजे, लेकिन हम लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन ये इमामबाड़े की जगह यहाँ कभी कभी रात में भी मजलिस होती है, नहीं रात में भी मजलिस होती है, लेडीज इधर से आए या उधर से आए, अंधेरा रहता है, लाइटें लगवा दी, उसकी आंखें फट गई, लाइटें क्यों है, वो पागल है बाउल हो गया, लाइटें क्यों है, अरे अंधे तू, अरे जब औरतें यहाँ से अंधेरे में आएंगी, पानी में से आएंगी, बारिश, हर मौसम में मुहर्रम आता है, लाइटें उसे लाइटों पे क्यों ऑब्जेक्शन हुआ, हम जानना चाहते हैं उसे लाइटों पे क्यों ऑब्जेक्शन हुआ, क्यों लाइटें देख के वो बावला हुआ, क्यों लाइटों पे देखो उसे ऑब्जेक्शन, अरे लाइटें, कुल मिला के बात ये है कि यहाँ के जो वाशिंदे हैं, जो इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर रह रही हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि 250-300 साल पुरानी ये जगह है,
और यहाँ पर हमारी पीढ़ियाँ गुजर गई, यहाँ पर रहते रहते यहाँ पर हमारी पद्धति के हिसाब से जो यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है, इमाम बाड़े के अंदर यहाँ पर मदरसा भी है यहाँ पर। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस दिन बाल मुकुंदाचार्य जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर बर्ताव किया है यहाँ पर लोगों से, यहाँ पर महिलाओं से, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और अब तमाम इन महिलाओं का भी और जहाँ पर जो यहाँ पर स्थानीय जो बाशिंदे हैं उनका सरकार से, प्रशासन से सिर्फ एक ही गुहार है कि जो अन्याय इनके साथ में हुआ बिना जानकारी के उसे दुरुस्त किया जाए और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो वो की जाए और आगे से इन्हें किसी भी प्रकार से यहाँ पर बेवजह परेशान ना किया जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।